कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है आज एक संसदीय इतिहास में कि लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूं। पेन देखिए ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूं चेयरमैन साहब की, मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे, यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया, तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या फेरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा, हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको उन्होंने फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे हैं, ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा।